हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताने वाला हूं फोटोशॉप से फेस रिटच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फोटो को फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। उसके बाद एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे से। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर करने के बाद फिर देखिए, आप नीचे जाइएगा, लेयर्स के नीचे देख रहे होंगे आप एफ एक्स के बगल में, वहाँ पर जाने के बाद ब्लैक एंड वाइट ये लेना है। इससे ये पता चलेगा कि आपके फेस पे पिंपल्स कितने हैं। तो हल्का सा जो रेड है, रेड को हल्का सा कम करेंगे तो ये पिंपल्स डार्क हो जाएंगे, इस वजह से, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा पिंपल्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से पिंपल दिख नहीं पा रहे हैं इससे, और तो हमने ब्लैक एंड वाइट लेयर को चढ़ा लिया है ऊपर, तो इससे पिंपल काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कंट्रोल जे, खाली अब जे करते हैं, मतलब देखिएगा। अब जो लेते हैं स्पैच टूल, स्पैच टूल को जे से लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे करके राउंड करके इधर छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। इसमें टाइम लगेगा काफ़ी। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, जितनी अच्छी तरीके से आप करेंगे उतना ही अच्छा आपका फेस स्मूथ होगा। ठीक है, तो इतना मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, आप धीरे धीरे ही करिएगा। ठीक है, देखिएगा पिंपल्स कितने अच्छी तरीके से गायब हो चुके हैं। ठीक है, आप जो भी काम करें धीरे धीरे करिए करिएगा। ठीक है, तो इससे जो फेस के जो पिंपल्स हैं अच्छी तरीके से गायब होंगे और फेस रिटच अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं, लेयर को देखिए ओपन कर लिया मैंने, इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जैसे हम एक डुप्लीकेट लेयर और बनाएंगे, उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल आई। अब करेंगे ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे हम इसमें, ये इसको रखेंगे विविध लाइट। फिर उसके बाद हम चलते हैं फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद अदर, अदर में जाने के बाद हाई पास, हाई पास को हम रखेंगे 7.2 ओके कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद दोबारा चलेंगे हम फिल्टर में, फिल्टर के बाद ब्लर, ब्लर में गॉशन ब्लर, गॉशन ब्लर को हम करेंगे सबसे कम, मतलब जितना कम हो सके उतना। ठीक है, तो देख लेंगे अपने हिसाब से, फोटो के हिसाब से। ठीक है, इतना अच्छा लग रहा है, 1.0 ओके, इसको हमने कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं अल्ट प्रेस कीजिएगा। अल्ट प्रेस करने के बाद ये देखिएगा एफ एक्स के नीचे साइड में बगल में ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स जिसको बोलते हैं मार्क्स। अब लेंगे ब्रश टूल, ब्रश टूल खाली बी से आ जाएगा, ये देखिए बी से ब्रश टूल। अब इसको अपने फेस पर पेंट करेंगे इसको। ठीक है, अपने हिसाब से साइज बड़ा छोटा बड़ा कर लीजिएगा, देखिएगा इस तरीके से। तो इससे फेस रिटच अच्छी तरीके से हो जाता है, ये तरीका बेस्ट है, तो आप भी एक बार करके देखिएगा। ठीक है, मेरे को बेस्ट लगा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका बेस्ट है। देखिए अब आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं, देखिएगा ये। ठीक है, इतना पिंपल्स थे उसके बाद ऐसा हो गया। ठीक है, फेस काफ़ी अच्छा रिटच हुआ है आफ्टर एंड बिफोर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।